वो सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ फटफटिया आ रही है इसके प्रोडक्ट में यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है। सो आप ज़रूर ट्राई करके देख सकते हो। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. वेलकम बैक टू माई चैनल आर्यंस कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल। अभी सुबह हो चुकी है, मैं सुबह से किचन में बाबू का ब्रेकफास्ट, जो आज रोटी सब्जी नहीं है, आज है उसका ब्रेड जैम एंड एप्पल्स। अभी बाबू को मैं जा रही हूँ छोड़ने। सो हेयर इज़ बाबू। बाबू अच्छे से एग्जाम दोगे ना? बेस्ट ऑफ लक बेटू। बेस्ट ऑफ लक नहीं, ऑल द बेस्ट। सो अभी मुझे जाना है बाबू को स्कूल छोड़ने। ऑलरेडी टाइम हो रहा है, 2 मिनट बस बाकी है, फिर मैं निकलूँगी। एंड फिर आने के बाद जो खाना रहता है वो बनाना पड़ेगा, बिकॉज मेरे हस्बैंड अभी फिर खा के निकल जाएंगे 9:30, 10:15 जैसा भी होगा। सो अभी जाती हूँ ऑफिस। ऑफिस नहीं जाएंगे पापा? पापा जा रहे हैं अभी बाइक पे। अभी थोड़ी देर बाद। ओके तो अभी मैं जाती हूँ, फटाफट से उसे छोड़ आती हूँ। और बाबू कैसा लग रहा है एग्जाम में? अच्छा लग रहा है। कोई हमसे पूछता तो हमें डर लग रहा है। अभी क्या है ना, छोटे बच्चों को पता ही नहीं चलता इनका एग्ज़ाम क्या है क्या है। मैं तो मेरे को बोलता है कि क्या करना होगा, हम अपने टीचर बताएंगे क्या करना होगा। फिलहाल तो चलिए मैं इसे छोड़ के आती हूँ, उसके बाद फिर जो आगे का ब्लॉग है वो कंटिन्यू करेंगे। अभी आ चुकी हूँ मैं घर बाबू को स्कूल से छोड़ के। एंड अभी चाय बन रही है, चाय मैं नहीं पी थी इसलिए अभी चाय बैठ के पियेंगे दोनों। और उसके बाद फिर आगे का बाकी का जो भी काम रहेगा वो स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम है खाना बनाना, तो वो स्टार्ट होगा। लाइटिंग नहीं आ रही है उधर, इधर अच्छी लाइटिंग आ रही है। ओके उससे पहले आपको मैं मिलाती हूँ हमारे फैमिली के न्यू मेंबर, न्यू गेस्ट मेंबर नहीं, न्यू गेस्ट से। तो हमारे घर में 2 दिन से नए गेस्ट आए हुए हैं, वो भी एक नहीं दो नए गेस्ट आए हुए हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि हमारे फैमिली के वो गेस्ट कौन हैं। आर यू रेडी टू मीट विद अवर न्यू गेस्ट? ओके सो ये रहे हमारे न्यू गेस्ट। सो ये है फिश एक्वेरियम। ये एक्चुअली हमारा नहीं है, मेरी फ्रेंड जो नीचे रहती है उनका है। तो वो अभी कुछ दिनों के लिए अपने घर गई हुई हैं वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे रख के गई हैं। 2-2 फिश हैं। आपको मोस्टली यहाँ पे 1 दिखेगा, बट यहाँ ये देखिए, दिख रहा है आपको वाइट वाला? ये एक है। तो बाबू ने इन दोनों का नाम रखा है। इसका जो नाम है ये बहुत नॉटी है और कुछ भी खाना नहीं खाने देती है वाइट वाली को, बहुत नॉटी है ये। तो इसका नाम जो है ये है गोल्डी। सो ये बाबू ने नाम दिया है गोल्डी। एंड वेर कहाँ ये देखिए, आपको दिखती नहीं, बहुत मुश्किल से ऊपर आती है, डरती है एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा। तो इसका नाम है शाइनी। तो हियर अवर न्यू गेस्ट गोल्डी एंड शाइनी। तो गोल्डी तो बहुत ज़्यादा नॉटी है और एक्टिव भी है, शाइनी थोड़ी लेजी है, बिकॉज एक्चुअली इसके दो जोड़ीदार थे, दोनों के एक एक चले गए। तो यहाँ पे बस इन दोनों हैं। और ये जो है ना, ये आतंकवादी बहुत आतंक मचा के रखती है। ये बदमाश बच्चा होता है ना घर का, वो ये एक्वेरियम का ये है बदमाश बच्चा। एंड ये है शांत बच्चा।
तो फिलहाल बच्चों को भूख लग गई है तो चलिए खाने देते हैं। मैं दिखाती हूँ खाना ना, ये खाने नहीं देता है, ये मतलब बेचारी भूखी रह जाती है, बट थोड़ा सा ट्रिक करके देना पड़ता है। मुझे भैया ने बताया था कैसे क्या देना है, तो चलिए फिलहाल मैं इन्हें खाना देती हूँ। तो ये है खाना, तो चलिए मैं दिखाती हूँ, आप इधर दिखाओ, ये लोग कितना बदमाशी करेंगे देखना। ये खाने नहीं देगी, देखना ना, सबसे पहले तो इसे ऑफ कर देती हूँ। ओके, तो सब दोनों ऊपर आ गई ना, अब देखना ना, ये देखो 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 कैसे कर रही है, खाने नहीं देती है इसको। कम ऑन, आतंक मचा के रखी है ये, देख रहे हो, जिधर खाना दो उधर भाग आती है, बहुत बदमाश है। जल्दी खाओ, ओके, देखो 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 कैसे कर रही है। अब उसके पीछे वो छोड़ेगी ही नहीं, उसको पता है कि उसको खाना मिलने वाला है। ये देखो देखो कैसे झगड़ा कर रही है, ये मिल गया उसको एक फिश के लिए, अभी ये खेलते रहेंगे और बस ये अभी देखना कैसे भागेंगे, ये गए। चलिए तो ये रहे हमारे न्यू गेस्ट, कैसा लग रहा है? बाबू का एग्जाम है, आपको कैसा लग रहा है? क्या हूँ, मुझे मेरे एग्जाम के दिन, लेकिन बाबू को उसके एग्जाम के दिन याद नहीं रहेंगे। बाबू का एग्जाम है आज, मैंने ऑल द बेस्ट दे दिया है, बोलने पे नहीं अपने से, मैंने वैसे मुझसे तो पता है पास कर ही देंगे। हम लोग के टाइम तो फेल कर देते थे, पास वाला सिस्टम था, इसलिए हम लोग को फोबिया रहता था एग्जाम का। ऑल द बेस्ट कुछ नहीं मिलता था, उल्टा मम्मी लोग बोलते थे पूरा लिख के आना, अगर नहीं लिख के आया ना तो बताऊंगी। और यहाँ पे मम्मी लोग, कोई बात नहीं बेटा, नहीं बनेगा तो कोई नहीं, रोना नहीं, ही टीचर से पूछ लेना। और हमारी टीचर, क्या पढ़े हो तुम साल भर, यही सब पढ़े हो, अभी क्यों पूछ रहे हो? तो समझ में नहीं आया यहाँ पे क्या है क्या नहीं। टीचर समझाती है जैसे ये क्या लिखा है, फार, अब फार मतलब दूर, तो दूर का अपोजिट क्या होता है, पास। अब पास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो तुम जानो, वो नहीं बताएंगे टीचर। तो इस टाइप का एग्जाम होता है उनका, ये कोई एग्जाम है? तो कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? हम लोग जैसे, तो जो लिखना है लिखो, घंटी बजी जाओ, माइनस मार्किंग, पास तो पास। काश हम लोग को पता रहता क्लास 8 तक फेल नहीं होता है, नहीं तो हम लोग कैसे हो जाते। हमारे टाइम फेल होते थे, कौन बोला नहीं होते। KG 1 KG 2 में कोई फेल नहीं होता, परसेंटेज तो कम आते थे, परसेंटेज था ही नहीं KG 1 KG 2 में, हमारा था। अच्छा नहीं, मेरा भी था, सॉरी मेरा भी था, अभी ग्रेड आया है। लेकिन मैं अभी आ गई हूँ बाबू के स्कूल से लेके, और बस कुछ भी शूट नहीं की थी बिकॉज बहुत ज़्यादा काम था, तो अभी मेरा काम हो चुका है और ये बाबू स्कूल से आ चुका है। और फिलहाल स्कूल से आने के बाद ये पी रहा है जूस, जो कि हम कल लाए थे पारस सुपर मार्केट से। ओके, फर्स्ट में से ओपन कर देती हूँ। क्या बोला टीचर ने? बहुत समझाया। क्या क्या आया था एग्जाम में? हॉट और कोल्ड। फिलहाल मौसम काफी हॉट हो रहा है, इसलिए बाबू कूल कूल हो रहा है। ओके, टीवी ऑन हो गया है, जस्ट अ मिनट। उसका स्कूल से आने के बाद फिक्स रहता है, टीवी देखेगा और क्या करेगा, कुछ ना कुछ उसको मतलब ड्रिंक करने के लिए चाहिए रहता है, या तो पानी या फिर ऐसा जूसेस या फिर जो भी, जैसे कभी कभार मैं नींबू की सिकंजी बना देती हूँ, तो वो सब मैं उसको दे देती हूँ ताकि वो भी ठंडा रहे, लेकिन धूप से तुरंत आने के बाद नहीं देना है बच्चों को। एंड बाबू का फेवरेट कार्टून कौन सा है बीबी? जिगेन। तो चलिए फिलहाल बाबू तो आ गया है, अब इसको नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करवानी है मुझे। खाना बन चुका है, खाना ना खा के 1-1.5 घंटा पढ़ाऊंगी, देन उसको अगर सोना होगा सोएगा, नहीं तो फिर स्केटिंग में जाएगा, जैसा भी करना है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, तो फिलहाल अभी मैं जाती हूँ, कर लेती हूँ जो भी मतलब एडिटिंग का मेरा काम है, उसके बाद फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगी। और आज के ब्लॉग में पता नहीं आगे मैं क्या करने वाली, क्या दिखाने वाली, कुछ आइडिया नहीं है, बट फिर भी फिलहाल वो काम कर लेती हूँ मैं। वहाँ पे गोल्डी खेल रही है और इधर बाबू खेल रहा है। और अभी क्या है ना, अभी दोपहर का टाइम है, यहाँ पे ये फ़ैन लगा दिया, ये मेरा थोड़ा स्टोर रूम टाइप का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना जो कि
मतलब हो नहीं पाया है, पूरा निकालते नहीं हैं हम लोग, तो एक रूम में ऐसा मुख रख देते हैं ताकि इनको थोड़ा मिल सके हवा। तो बस अभी लाइट ऑफ कर देंगे और बस चलो हो गया। और अभी फ़िलहाल ये देखिए, ये सब मुझे अभी बाहर निकालना है धोने के लिए, ये सब ले जाती हूँ। और मैं दिखाती हूँ हॉल रूम का हाल क्या किया है बाबू। तो ये इस टाइप का पता नहीं क्या बनाया है, ये क्या है ये बेटा? बाइक। हाँ बाइक है। और अभी बाबू का जो नहाना है वो सब हो चुका है, अभी हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। सोएंगे? क्यों? नहीं सुबह पढ़ेंगे ना हम लोग। सुबह? सुबह पेपर है ना, एग्जाम है सुबह। सुबह मतलब शाम को करेंगे। सुबह मतलब शाम? अच्छा चलो ठीक है, मैं खाना लेके आती हूँ। ओके नहीं नहीं अभी खाना खाएंगे, लेट हो रहा है। नहीं नहीं तो फिर पढ़ाई कर लो, भूख नहीं लगी तो पढ़ाई कर लो। नहीं थोड़ा खाना खाना पड़ेगा, नहीं तो फिर पढ़ाई करने बैठ जाओ, अभी नानू हो गया ना आपका, तो चलो फिर स्टडी करने पे चले जाओ। खाना खाओगे कि स्टडी करोगे? खेलने का ऑप्शन है ही नहीं, खाना खाओगे कि स्टडी करोगे? खाना। ओके चलो खाना लेके आती हूँ अभी। नो तो अभी बाबू सो गया, उसको मैं सुला दी हूँ। और मुझे नींद नहीं आ रही थी, अब बहुत कोशिश की, थोड़ी सी नींद लगती है, फिर दोपहर को नींद नहीं आती। हो सकता गर्मी की वजह से, कूलर अभी चालू नहीं की, उसको एग्ज़ाम है, इसलिए सोची जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब चालू कर दूँगी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत जल्द कूलर चालू करना पड़ेगा, नहीं तो दोपहर को मतलब नींद नहीं होने वाली। फिलहाल इसी बीच मेरे हस्बैंड आ गए थे और उन्होंने कुछ कुछ लाया है, तो बोले जस्ट अ मिनट माय बेबी हेयर्स। ओके तो वो बोले कि ये बाबू के लिए है। मैं बोली होगा कुछ, तो मैंने ओपन नहीं किया था, बट फिर वो बोले कि नहीं इसे ओपन करके देखो क्या है। तो मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली ये कुछ कुछ चीज़ें लाया है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हस्बैंड लेके आए हैं, तो मैं एक एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये है सबसे पहले, ये आप सभी को पता है, ये है वाओ का एलोवेरा जेल। और ये जो वाओ का एलोवेरा जेल है ना, ये आप हेयर एंड स्किन दोनों में यूज़ कर सकते हो। जो पतंजलि का रहता है आप वो हेयर में यूज़ नहीं कर सकते हो, बट ये जो है ना ये आप दोनों में यूज़ कर सकते हो। तो ये वाओ का एलोवेरा जेल एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम मैं यूज़ करूँगी, इससे पहले मैं पतंजलि का यूज़ की थी एलोवेरा जेल, और मैं किसी का नहीं की हूँ सही बताऊँ तो। एंड सेकंड ये लाए हैं प्लम का प्रोडक्ट, ये जो प्लम का प्रोडक्ट है ये भी पहली बार ही मैं यूज़ करूँगी, प्लम का आई थिंक पहली बार है, या प्लम का पहली बार मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। सो ये है प्लम का ग्रीन टी डे नाइट सनस्क्रीन जेल। तो ये सनस्क्रीन जेल है, एक्चुअली क्रीम नहीं है, ये सनस्क्रीन जेल है, डे नाइट आप लगा सकते हो। सो ये भी मैं यूज़ करूँगी और बताऊँगी कितना इफ़ेक्टिव है। ये SPF 35 PA++++। ओके SPF 35 थोड़ा कम ही है अभी तो, मुझे कुछ भी नहीं पता फिलहाल बताऊँ तो, क्योंकि ये फर्स्ट परचेज है मेरा, फर्स्ट टाइम परचेस है, तीनों मेरा फर्स्ट टाइम ही परचेस है। एंड थर्ड जो है वो है द डर्माको, एक्चुअली डर्माको मेरा फर्स्ट टाइम परचेस नहीं है, डर्माको का जो ब्रांड है वो मेरा फर्स्ट टाइम परचेस नहीं, बिकॉज डर्माको आज की डेट में मेरा फेवरेट ब्रांड बन चुका है रिलेटेड टू स्किन केयर। बहुत अच्छे प्रोडक्ट रहते हैं गाइस, ट्रस्ट मी, मेरे जो पिंपल के दाग इतने फेड हुए हैं ना, जो एकदम ऐसे उभरे उभरे रहते थे, इतने जो फेड हुए हैं, हल्के फुल्के अभी भी हैं, हल्के फुल्के नहीं हैं काफ़ी, बट जो फेड हुए हैं ना पिंपल के दाग, सिर्फ ये ब्रांड जो रहता है डर्माको, इसके प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है। सो आप ज़रूर ट्राई करके देख सकते हो। तो जो डर्माको का मैं अभी रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ सीरम, डर्माको का जो हेलोरिक एसिड और नियासाइनामाइड वाला जो सीरम रहता है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, सैलिसिलिक एसिड एंड नियासाइनामाइड का जो सीरम रहता है ना वो मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ऑसम है। और ये जो सीरम का मैंने तीसरा बॉटल ख़रीदा, कैन यू बिलीव, दो बॉटल मेरे ख़त्म हो चुके हैं और काफ़ी सेटिस्फाई हूँ मैं। अभी भी दाग है, लेकिन दाग आते तो जल्दी हैं, धीरे धीरे टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है, और अभी दो बॉटल ख़त्म हुआ है।
तो थर्ड परचेस है अभी फ़िलहाल। थोड़ा सा मैं सीरम चेंज की हूँ, क्या की हूँ क्या नहीं की हूँ वो आपको बताऊँगी। अभी एक्चुअली मैं कैथिन का लगा रही हूँ सीरम अभी, आई थिंक कल से मैंने स्टार्ट किया है। सो ओके, आते हैं इसके में। ये है डर्माकोका माइक्रोडिप सैलिसिलिक एसिड पैचेस। जी हाँ, मुझे पता भी नहीं था इन्होंने पैचेस लॉन्च किए हैं एक्चुअली, क्योंकि मेरा स्किन में जो भी इफेक्टिव रहते हैं ना, मैं उसी के साथ कंफर्टेबल ज़्यादा रहती हूँ। मैं ऐसे कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर स्किन के अभी नहीं करना चाहती, बट फिर भी मेरे हस्बैंड को ये दिखा पैचेस और बोल भी रहे थे दाग बहुत कम हुआ है तुम्हारा, पर जो अभी दो रिसेंटली में पिंपल आए थे मुझे, बट वो बढ़ने नहीं दिया क्योंकि मैं सीरम देन फेस वॉश ये सब यूज़ कर रही हूँ डर्मा को के। तो सीरम, फेस वॉश एंड और क्या यूज़ कर रही हूँ, क्ले मास्क। तो मैं ये तीन प्रोडक्ट अभी यूज़ कर रही हूँ और ये चौथा प्रोडक्ट होने वाला है, ये है माइक्रोटिप सैलिसिलिक एसिड पैचेस डर्मा को का। तो ये पैचेस टाइप के रहते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे रहते हैं। ये देखिए ये पैचेस, आई होप यू कैन सी, या ये देखिए ये जो पैचेस है ना, ये ऐसे ये दो आपको स्ट्रिप मिलेगी इसमें, तो वन स्ट्रिप में आपको मिल जाएगा 12 पैचेस। सो आपको टोटली 24 पैचेस का सेट मिलता है और ये पैचेस मैं इसमें अभी पढ़ी थी कि कैसे क्या यूज़ करना है। तो ये पैचेस अपना फेस क्लीन वगैरह करके, जो भी आप रूटीन करते हो वो करके, रात को सोने के टाइम यूज़ करोगे ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप दिन में भी यूज़ करते हो, मेकअप वेकअप नहीं, ऐसा रात को सोने के टाइम ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो ये जो है ना वाटर प्रूफ पैचेस है, अगर आप पानी भी देते हो ना मुँह में तो वो पैचेस रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले। ये आप जब यूज़ करोगे, जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये जो दो है, ये दो नए नए मेहमान आए थे जिसने उधम मचा के रखा था, इसलिए जो मेरा डर्माकोका सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश एंड क्ले मास्क एंड सीरम है, तो ये दोनों मेहमानों को ज़्यादा प्रवेश नहीं करने दिए, वहीं पे रोक लिए हैं। तो ये दो मेहमानों के ऊपर मैं ये आज रात को ही सोच रही हूँ लगाऊँ, देखते हैं क्या होता है। तो ये फर्स्ट टाइम मैं यूज़ करने वाली हूँ आज नाइट में, और जब ये पूरे पैचेस ख़त्म हो जाएंगे पूरे पैचेस, देन मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पड़ा है इतना रेट का कैसा इफ़ेक्टिव हो रहा है। बाकी प्रोडक्ट नो डाउट बहुत इफ़ेक्टिव है। इसका प्राइस है, आई होप यू कैन सी, 599। यस, दिस इज़ 599। काफ़ी महंगा है, मैं जब बोली 599 24, डर्मा के प्रोडक्ट थोड़े महंगे रहते हैं बट अच्छे रहते हैं मुझे ऐसा लगता है। और ये जो प्लम का है, प्लम का कौन सा सस्ता है, प्लम का भी महंगा है, ये भी है 575 का। बट हाँ, ये मेरा फर्स्ट यूज़ होने वाला है सनस्क्रीन जेल, सो लेट्स सी। सो ये थ्री प्रोडक्ट लाए थे, लगाएंगे, यूज़ करेंगे, देन रिव्यू शेयर करेंगे। बहुत दिन से मैं रिव्यू का कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ, तो सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ फटफटिया आ रही है। सोच रही हूँ कुछ ना कुछ वीडियो बनाऊँ, बट बाबू के एग्ज़ाम के बाद तो मेरे पास टाइम रहा करेगा। तो शाम की भूख लग गई है सबको, तो मैंने सोचा क्यों ना सूप बना लिया जाए। तो ये है नौर का हॉट एंड सार वेज सूप, जो कि हम लोग पारस के यहाँ से लाए थे, मैंने इसे पहले ब्लॉग में शेयर किया था। बहुत इजी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है, मुझे तो पसंद है, आप ट्राई कर सकते हो। तो इसमें कुछ भी नहीं करना रहता, बस पानी गर्म करना रहता है, एक कॉफ़ी मग के बराबर पानी गर्म कर लीजिए, 150 ml अप्रॉक्स। सो पानी को बस गर्म करो एंड सूप का पैकेट को टियर करो एंड डाल दो, पूरा पैकेट डालना, कंजूसाई नहीं करनी है। एंड डाल के उसके बाद मिक्स कर दो, स्टर कर दो, बस योर सूप इज़ रेडी। तो आप खाओ, इन्जॉय करो। इसमें लम्स इसलिए आ गए हैं बिकॉज एक हाथ से मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, आप दोनों हाथ का यूज़ करिएगा, जैसे जैसे डालिएगा वैसे वैसे मिक्स करिएगा। ऑलराइट, सो डिनर वगैरह जो था हमारा सब डन हो चुका है और अभी आती है बारी ब्लॉग को ख़त्म करने का। ज़्यादा कुछ मैं शो नहीं की हूँ आज ब्लॉग में बिकॉज बाबू का एग्ज़ाम था, तो मैं शाम से उसको पढ़ाने बैठ गई थी और उसका कल मैथ्स का एग्ज़ाम है और उसका थोड़ा सा मैथ्स में प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, मतलब उसका वैसे तो बहुत जल्दी याद करता है बट मैथ्स में थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहता है, तो उसको वो कंफ्यूजन दूर कराते कराते काफ़ी टाइम हो गया था, तो इसलिए मैं कुछ भी शो नहीं की हूँ आप सभी के साथ। और अभी हो गया है रात, मैंने फेस वॉश करके सीरम लगा लिया है,
एंड अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे ये यूज़ करना है डर्मा माइक्रोटिप्स एसिलिक एसिड पैचेस। सो यहाँ पे तो पूरे दाग हैं हल्के फुल्के जो दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पे देखिए ये दो एक्टिव पिंपल है एक्चुअली मेरा, ये पूरे दाग है, ये दो एक्टिव है, मतलब वो भी सैलिसिलिक एसिड की वजह से बहुत ज़्यादा मुरझा गए हैं, बट फिर भी हल्का फुल्का आ सकता है वापस। तो ये दो जगह पे ही मैं पैचेस यूज़ करूँगी। सो ये है वो पैचेस। तो इससे पहले हम ओपन करेंगे, कैसे करते हैं, मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्चुअली, ओपन कैसे करते हैं। अच्छा हो गया, ये इस टाइप का ऐसा है, इसको ओपन कर लेंगे। जस्ट मैं ये जो पैचेस है ये मैं लगा के आती हूँ मिरर में देख के। ऑल राइट, तो मैंने यहाँ पे ये पैचेस लगाया है, एक्चुअली दिख भी नहीं रहा होगा, आई थिंक थोड़ा बहुत दिख रहा होगा अगर आप गौर से देखोगे। ये जो जगह है ना यहाँ पे मैंने ये पैचेस लगाए हैं, एंड एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक मैं पैचेस लगाऊंगी। तो मेरे फेस में फ़िलहाल दो अभी एक्टिव पिंपल है, दोनों जगह पैचेस लगाना पड़ेगा। इसे एक्चुअली निकालने का तरीका बहुत इजी है, ये है ना ये पेपर को से टीयर कर देना है, बस ऐसे ही थोड़ा सा हल्का सा टीयर करेंगे तो ये आराम से निकल जाता है। एक और निकल गया, इसे भी मैं लगा के आती हूँ। ऑल राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी दिखा होगा, ये दो पैचेस मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं, और बस इसको रखना है 6 से 8 घंटा। तो ये रात को लगाने से ज़्यादा बेटर रहेगा, स्किन क्लियर रहती है। कुछ भी हम ऐसा फेस वॉश करके थोड़ा सा बहुत मॉइस्चराइज़र वगैरह यूज़ करते हैं, ज़्यादा कुछ करते हैं नहीं, कोई मेकअप अप्लाई नहीं करना रहता, इसलिए ये पैचेस पूरे स्किन के साथ ही मिल गए। अभी बज रहे हैं 12:15, 6 से 8 घंटा रखना है, तो इसे मैं जब तक कल नहाने नहीं जाऊँगी तब तक रखी रहूँगी, क्योंकि ये वाटरप्रूफ है और इसमें पूरा सैलिसिलिक एसिड है, जिससे जो कि एक्टिव पिंपल एक्ने जो भी रहता है ना उसे काम डाउन करता है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है, होप ये ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आता है देन डू लाइक शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो डैट मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।